जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कल के ब्लॉग में बताए थे कि गाड़ी लगभग मेरा लोड हुआ था 10-10:30 बजे के आसपास, तो वहीं पे सोए थे। अभी समय का लगभग 8:30 बज गया है और घर घोड़ा पहुंच गए हैं। लेलुंगा का ऑर्डर है, लेलुंगा में गाड़ी खाली होगा अभी। तो अभी सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा पानी गिर गया है, मुझे तो लग रहा था कि जाने में दिक्कत होगा, लेकिन पानी अभी खुल गया, धूप उग गया है इधर। और हम ये सोच रहे हैं कि अभी जाना है उधर और पानी गिर गया है आज। अब पार्टी वाला लोकल पार्टी का माल है, पता नहीं कैसे खाली होगा। पहले जाते थे तो क्रेशर वाले का माल रहता था, तो क्रेशर में खाली करने में दिक्कत नहीं होता था, लेकिन आज लोकल पार्टी का माल है। तो चलिए आज जा कर के देखते हैं क्या पोजीशन है उधर का। और सबसे पहले तो एक चीज़, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मतलब मेरा लगभग 1K कम्प्लीट हो गया है, इसलिए आप सभी भाई लोगों को दिल से थैंक्स। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे। अभी 1K हो गया है, लेकिन मतलब चैनल मोनेटाइज होने ही वाला है, प्रोसेस में है वो। 4000 वॉच और तो मेरा कब का पूरा हो गया था, तो लगभग पता नहीं कुछ दिन के अंदर या 1 मंथ लिखा है ऐसे ऐसे कुछ कंप्लीट होगा। तो चलिए आज का सफ़र फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों अभी समय का 10 बज रहा है और लेलुंगा तो पहुंच गया है। पार्टी वाले से बात हुआ है, अभी लगभग लेलुंगा से 7 किलोमीटर दूर गाड़ी खाली करने के लिए जाना है। और जो रोड में हम लोग क्वाच पत्थर लोड लेने जाते थे वही रोड में है, लेकिन अभी पानी गिरा हुआ है, वही थोड़ा सा मेरे को टेंशन लग रहा है। लेकिन बोला तो है पार्टी वाला कि मेन रोड के बगल में ही खाली करवाऊँगा। चलिए चल के देखते हैं कैसे जगह है, फिर खाली वाली करके पूछेंगे कहाँ जाने का प्रोग्राम है। दोस्तों अभी खाली करने के लिए जा रहे हैं, यही रोड में खाली करना है। अभी यहाँ से अभी 2 किलोमीटर लगभग और इसी रोड में जाना है, पहुँच ही गए हैं लगभग में। रोड तो लगभग में ठीक है, थोड़ा सिंगल रोड है लेकिन ठीक है। अभी आगे में देखते हैं क्या पोजीशन है, यहाँ पर खाली करना है जगह का। पार्टी वाले भैया भी साथ में जा रहे हैं, यही खाली करवाएंगे माल को अभी। चलिए दोस्तों जगह पर तो आ गए, गिट्टी हमारा खाली हो गया। सिंगल रोड था, थोड़ा दिक्कत वाला जगह था, लेकिन उतना भी कुछ खास ख़राब जगह नहीं था, अच्छा था, गाड़ी दब नहीं रहा था, ठीक था। तो खाली हो गया है और अब चलते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद फ्लाई एस लोड करना पड़ेगा BS से, एक बार इधर भी पूछ लेते हैं अगर लोडिंग होगा तो ठीक है, नहीं तो सीधा जाएँगे BS में फ्लाई एस लोड करने के लिए। और खाना खाने का भी टाइम हो गया है, आज खाना होटल में ही खा लेंगे, बनाने भर का टाइम नहीं है, आज टाइम ज़्यादा हो गया है। खाना वाना बनाने में लग जाएंगे तो BS में फिर आज फ्लाई एस लोड नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं फिर, एक बार पूछ लेते हैं भैया से कहाँ से लोड होगा। दोस्तों समय का अभी 1 बज गया है और घर घोड़ा पहुँचे हैं। अब यहीं ढाबा पे हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, अभी दोपहर का टाइम है लेकिन रोटी ही खाएंगे। मेरे को तीनों टाइम भी रोटी मिल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन चावल तीनों टाइम नहीं चलेगा। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ जाएँगे फ्लाई एस लोडिंग के लिए। दोस्तों भी समय का 6:30 बजने वाला है और अभी तो हमारी गाड़ी जाकर के फ्लाई एस लोड हुई है। आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ काटा करवाने में, लोड गाड़ी भी और खाली गाड़ी भी, क्योंकि बारिश हो रही थी और ऊपर से आज बहुत सारी गाड़ी आई थी उस प्लांट में। तो फाइनली अभी 6:30 बज गया है और लोड लेकर बाहर निकल गए हैं। यहाँ बंजारी मंदिर के पास रुके थे पानी भरने के लिए, तो अभी यहाँ पर पानी भरे थे उस टाइम देखे स्कैम। जो ड्राइवर लोग हमेशा इससे बच के रहिएगा, जो पत्ते खेलने वाले रहते हैं, जो 3 कार्ड होता है
वो कार्ड लोग को मतलब घुमाता है इधर उधर, फिर कार्ड जिस कार्ड के नीचे लिखा हुआ रहता है अगर उसके उस पर अगर आप लगा दोगे तो पैसा डबल, लेकिन ज़िंदगी में कभी आप नहीं जीत पाओगे। वो बहुत पहले ही हम देख चुके हैं, ये लोग लगभग 10 आदमी रहते हैं और आपस में ही खेलते रहते हैं, और कोई ड्राइवर आता है तो फिर उसे बजाते हैं और सब लोग मिलकर उसे उकसाते हैं कि भाई इसमें लगा, पैसा आएगा पैसा आएगा, बोल के उसका मोबाइल वोबाइल सब गिरवी करके उसको ऐसे भेज देते हैं पूरा। इसलिए जितने भी ड्राइवर भाई लोग हैं एक बार थोड़ा सा ये सबसे सावधान रहिएगा। अभी भी 2 ड्राइवर लोग को यहाँ देखा, पूरा रो दिए थे भाई, उन लोग का मोबाइल वोबाइल सब चला गया था। फिर वो लोग को मैं समझाया तो आइंदा वो सब ये सब गलती नहीं करेंगे। और आप लोग को भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान दिया कीजिए, ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए, कभी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसमें कभी कोई आज तक न जीत के जा पाया है न जा पाएगा, सब ये लोग का अपना खुद का गैंग होता है। तो चलिए अब चलते हैं, सब्जी वब्जी लेंगे आगे में, उसके बाद खाली करने के लिए देखते हैं, इधर ही खाली करना है कहीं। तो अभी सबसे पहले सब्जी ले लेते हैं। दोस्तों अभी समय का 7:30 बज गया है और जहाँ पे खाली करना था वहाँ पे जगह बहुत बेकार है, रोड के साइड में कहीं खाली करना था और माल ज़्यादा है, आज गीला माल है, तो बोल के वहाँ पे रात में रिस्क नहीं लिए, मना कर दिए भैया यहाँ पे रात में नहीं खाली करेंगे। तो अभी भैया हमारे बोले हैं कि रायगढ़ तक तब तक आओ अपना ट्रांसपोर्ट नंबर तक, उसके बाद बताएंगे गाड़ी कहाँ खाली होगा। और मेरे हिसाब से लगता है वो गुड़ेली ही जाएगा, लेकिन बोले हैं कि तब तक ट्रांसपोर्ट नगर तक आओ। सोचे थे खाना वाना बनाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है आज सुबह से कि मतलब अभी भी आए और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया, तो इसलिए सोचे कि आराम से होटल में खाना पीना खा लेंगे, अब कल से ही खाना बनाएंगे। तो अभी 8:30 बजे यहाँ रायगढ़ का नो एंट्री खुलेगा, अभी नो एंट्री में खड़े हैं उरदाना में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर में जाकर पूछेंगे कहाँ खाली होगा, उसके बाद खाना वाना भी वहीं खा लेंगे। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्ट नगर जाने के बाद क्या बोलते हैं भैया। दोस्तों अभी रात का 9 बज रहा है और यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर तो पहुँच गए हैं, अभी पूछे नहीं है कहाँ खाली होगा, पहले खाना वाना खा लेंगे उसके बाद पूछेंगे। दोस्तों रायगढ़ में इतना तेज़ आज बारिश हुआ अभी 1 घंटा पहले, और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, तो अभी लग रहा है कि अब सुबह ही जाएंगे अगर गुड़ेली भेजेंगे तो, यहाँ से 4 बजे निकलेंगे। अभी जो है कि गाड़ी चलाने लायक रास्ता पूरा नहीं है, पानी गिरा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या होता है कि रास्ते में कोई गाड़ी ब्रेकडाउन वगैरह रहता है तो पता नहीं चलता रात में, इसलिए अभी इधर ही देखते हैं, बात कर लेते हैं भैया से, फिर सो जाएंगे और सुबह यहाँ से 4 बजे निकलेंगे तो डायरेक्ट जाके फिर खाली करके फिर उधर से गिट्टी अपना लोड कर लेंगे। तो जाते हैं सबसे पहले हम लोग खाना वाना खा करके आ जाते हैं ढाबा से,